Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about a very important chapter and we are going to discuss about holding company. तो आज हम होल्डिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं. होल्डिंग कंपनी क्या होता है, फिर कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी एक अल्टरनेटिव नेम इसके लिए दिया जाता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेंट कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी. तो होल्डिंग कंपनी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एक एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और आपको इसके ऊपर 15 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एग्ज़ाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये पूरे वीडियो में हम होल्डिंग कंपनी के बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग कंपनी, व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू होल्डिंग कंपनी, एंड व्हाट आर द बेसिक्स रिलेटेड टू होल्डिंग कंपनी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिस बेसिस पे आपके सारे बेसिक्स अबाउट होल्डिंग कंपनी क्लियर हो जाएंगे. तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम होल्डिंग कंपनी के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे. होल्डिंग कंपनी क्या होता है, होल्डिंग कंपनी अमालगमेशन मर्जर इस बेसिस पे भी आपने ऑलरेडी पहले पॉइंट्स पढ़े थे, उसी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं, लेकिन हम थोड़ा इसमें डिटेल डिस्कस करते हैं एंड वी आर गोइंग टू मोर फोकस ऑन होल्डिंग कंपनी. सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल होल्डिंग कंपनी क्या है, तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे डेफिनेशन दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन विच इज गिवन, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड बेसिक चीजें एक्सप्लेन करता हूँ. सो होल्डिंग कंपनी एज पर सेक्शन 246 डिफाइंस होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी विच सच कंपनीज आर सब्सिडियरी कंपनीज. देखो डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए यह डेफिनेशन है, हम इसको थोड़ा सा ईजी तरीके से पढ़ने का ट्राई करते हैं. तो होल्डिंग कंपनी क्या होता है, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स को होल्ड करता है. मैक्सिमम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैक्सिमम का मतलब होता है 51%. सो 51% आपको याद रखना है, अगर कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी के 51% शेयर होल्डिंग को अपने पास ले लेता है तो उसे हम होल्डिंग कंपनी के नाम से जानते हैं. जैसे ए और बी अगर हम एग्जांपल ले, तो ए कंपनी ने बी कंपनी के 51% शेयर होल्डिंग्स खुद के पास ले लिए, एक्वायर कर लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी को एक दूसरा नाम भी है, होल्डिंग कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेंट कंपनी. जैसे मैंने यहाँ पे अभी एग्जाम्पल लिया ए और बी का, तो ए जो है, ए ने अगर बी के शेयर्स एक्वायर कर लिए तो ए जो बनेगा, ए बन जाएगा पैरेंट कंपनी या ए बन जाएगा होल्डिंग कंपनी, एंड सिमिलरली बी विल बी कॉल्ड एज द सब्सिडियरी कंपनी. तो आपको याद रखना है होल्डिंग कंपनी के अल्टरनेटिव नेम्स है. होल्डिंग कंपनी को हम कंसोलिडेशन के नाम से भी जानते हैं, और अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 डील्स विद दिस. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 आपको याद रखना है. तो होल्डिंग कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेंट कंपनी एंड अदर वन इज कॉल्ड एज सब्सिडियरी कंपनी. सो अभी एक एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया वही एग्जाम्पल के बेसिस पे है. देखो ऑलरेडी आपने मर्जर, एब्जॉर्प्शन, एक्विजिशन ये सारी चीजें पढ़ ली है. तो अभी मर्जर कब होता है, मर्जर का मतलब होता है वन कंपनी टू कंपनी सेकेंड कंपनी दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं और एक तीसरा कंपनी फॉर्म होता है. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ मर्जर है अगर किसी कंपनी ने किसी और कंपनी के सारे असेट्स और लाइबिलिटीज ले लिए, तो 90% का कंसेप्ट है उसमें. बट इफ ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर एक्वायर्ड बाय, समझो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ए लिमिटेड एक्वायर्स बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के सारे असेट्स और लाइबिलिटीज अगर एक्वायर्ड कर लिए तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मर्जर. अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के कुछ स्पेसिफिक असेट्स और लाइबिलिटीज एक्वायर्ड कर लिए तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्विजिशन या फिर परचेज. तो एक्विजिशन या परचेज ये जो कंसेप्ट है ये आपने अमालगमेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया है. तो अमालगमेशन और एक्विजिशन, परचेज हो, एब्जॉर्प्शन हो, मर्जर हो, इसी से रिलेटेड ये होल्डिंग कंपनी रिलेट करता है. सो अगर सारे के सारे असेट्स टेक ओवर कर लिए, सारे के सारे लाइबिलिटीज टेक ओवर कर लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मर्जर.
अगर कुछ सिलेक्टेड असेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर कर लिए तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज एक्विजिशन और परचेस. फिर मर्जर भी नहीं है और एक्विजिशन भी नहीं है, लेकिन एक कंपनी ये चाहता है कि दूसरे कंपनी में वो कंट्रोल बनाए रखे, एक कंपनी ये चाहता है कि उसके इशारे पे दूसरी कंपनी जो है उसका सुने, और एक कंपनी ये चाहता है कि अपने बिजनेस को मार्केट में और एक्सपांड करे विदाउट द ऑप्शन ऑफ मर्जर, विदाउट द ऑप्शन ऑफ एक्विजिशन या परचेस, तो क्या ऑप्शन हो रह जाता है, और वो ऑप्शन रहता है कंसोलिडेशन का, वो ऑप्शन रहता है होल्डिंग कंपनी का. तो तीसरा ऑप्शन जिस पे हम फोकस करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर है, दैट इज इफ नाइदर मर्जर नॉर एक्विजिशन बट एक्वायर्स कंट्रोल, इट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी. तो एक कंपनी दूसरे कंपनी में कंट्रोल जो है उनका वो एक्वायर करता है. अब ये कंट्रोल हम किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं वो पढ़ते हैं. कंट्रोल कैन बी डन थ्रू, नंबर वन इज कंट्रोल ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल रखेंगे, मतलब ए कंपनी क्या करेगा, बी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल लेगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल लेना मतलब उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है बी लिमिटेड के, उनको अपॉइंट करेगा, उनको रिमूव करेगा, तो ये पूरे राइट्स ए लिमिटेड के पास आ जाएगा. तो अगर ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने का राइट होता है, तो भी ये बोल सकते हैं हम लोग कि ए कंपनी जो है बी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, ये एक ऑप्शन बनता है. सो कंट्रोल ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. दूसरा ऑप्शन बनता है एक्वायर्स मेजोरिटी, मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड के, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड में मिनिमम 51% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 51% से ज्यादा शेयर्स खुद के पास ले लेगा, मतलब खुद के पास कंट्रोल कर लेगा, तो इक्विटी और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये दोनों चीजें इसमें कवर होती है. सो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी लिया ए और बी का एग्जांपल, तो ए क्या कर रहा है, बी के कितने शेयर्स 51% या उससे ज्यादा शेयर्स खुद के पास ले लेगा. तो अभी ए अगर बी के पास खुद के ज्यादा शेयर्स ले रहा है, तो हम ए को एक नाम देते हैं इस चैप्टर में, विच इज कॉल्ड एज मेजोरिटी. तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड के मैक्सिमम शेयर्स खुद के पास ले रहा है, तो ए को हम मेजॉरिटी बोलेंगे, तो बी को हम क्या बोलेंगे, बी को हम बोलेंगे माइनॉरिटी. सो ए लिमिटेड को हम मेजॉरिटी बोलेंगे, बी लिमिटेड को हम माइनॉरिटी बोलेंगे. और एज पर द कंसेप्ट ए को क्या बोला जाएगा, ए को बोला जाएगा पैरेंट कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, ए को बोला जाएगा पैरेंट कंपनी, और बी को क्या बोला जाएगा, बी को बोला जाएगा सब्सिडियरी कंपनी. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए को बोला जाएगा पैरेंट कंपनी, दैट इज द होल्डिंग कंपनी, एंड बी को बोला जाएगा सब्सिडियरी कंपनी. तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. सो अकॉर्डिंगली उस बेस पे हम चलेंगे, आगे बढ़ते हैं. तो फर्दर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो कंट्रोल के बारे में तो हमने अभी पढ़ लिया कि कंट्रोल क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तरीके से हो सकता है या एक्वायर्स मेजॉरिटी, दैट इज मिनिमम 51% शेयर. अब सेक्शन 129 जो है, सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफाइज दैट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना जरूरी बन जाएगा. कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ए और बी, तो ए जो कंपनी है वो क्या कर रहा है, बी का मैक्सिमम शेयर्स एक्वायर कर रहा है, तो ए कंपनी की भी आइडेंटिटी मार्केट में है, बी कंपनी की भी आइडेंटिटी मार्केट में है, बी भी मार्केट में बिजनेस कर रहा है, ए भी मार्केट में बिजनेस कर रहा है. अब ए को एज पर द सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे. अब ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से है, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये है कि पहला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक खुद का बनाएगा अलग से, तो ए क्या करेगा, खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से बनाएगा, और दूसरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ए और बी दोनों का कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, जिसको हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं. तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एक बेसिक स्टेटमेंट है जो ए को बनाना पड़ेगा, एंड दिस इज गिवन एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013.
So whenever one company acquires majority of the shares of the another company, the company which acquires the shares has to prepare two financial statements. One individual statement of the company and the second one consolidated financial statement of the company. और यही हमारा chapter है consolidation, उसका मतलब है holding company. So that is the basic related to the points. अब हम steps देखते हैं किस बेस पे आपको questions को solve करना है. पूरा चैप्टर जो है वो वर्किंग नोट से रिलेटेड है. आपको क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है. वर्किंग नोट के बाद आपको बैलेंस शीट बनाना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स. तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है. सबसे पहले वर्किंग नोट के स्टेप्स देखो. सबसे पहले हमें ये देखना है डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के जो शेयर्स थे वो कब एक्वायर किए. तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर्स कब एक्वायर किए वो आपको देखना है. मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है रेशो का. फिर सेकेंड वाला पॉइंट जो है हमको रेशो ढूंढना है. जैसे देखो ए और बी थे, तो ए का शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज है, बी का शेयर कैपिटल है 60,000 रुपीज और फेस वैल्यू 10 रुपया है. तो अभी हमें क्या करना है, देखो ए के शेयर 1 लाख है, बी के शेयर 60,000 है. तो ए के शेयर ज्यादा है, बी के शेयर कम है, तो ए ही बी के शेयर्स परचेस कर लेगा. अभी 60,000 ये अमाउंट है, अगर हम उसको फेस वैल्यू 10 से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं, 6,000. अब 6,000 के दो पार्ट्स हुए. देखो ऊपर दिया है ए एक्वायर्ड 4,000 शेयर्स ऑफ बी, तो ए ने कितने शेयर्स एक्वायर्ड किए, 4,000 शेयर्स एक्वायर कर लिए. तो 6,000 शेयर्स में से 4,000 शेयर्स अगर ए ले रहा है तो बी के पास कितने शेयर्स बचे, बी के पास बचे 2,000 शेयर्स. अगेन आई रिपीट, सो देखो ए का 1 लाख शेयर कैपिटल है, वैल्यू इज 1 लाख, बी का 60,000 है. तो अगर हम बी के 60,000 को फेस वैल्यू 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 6,000 शेयर्स आएंगे. दिस इज द वैल्यू ऑफ शेयर्स. अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्वेश्चन पढ़ना है. ए लिमिटेड एक्वायर्ड 4,000 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, तो 6,000 में से अगर 4,000 शेयर्स ए ने लिए तो बी के पास कितने शेयर्स बचे, 2,000. अभी हम ये जीरो जीरोस को कैंसिल करते हैं, ये जीरो जीरोस को हमने कैंसिल कर दिया. तो आपका रेशो क्या बना, आपका रेशो बना 4:2. तो जिसको आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 2 2 4, तो आंसर क्या आएगा, 2:1. सो 2:1 का हमारा रेशो यहाँ पे बन रहा है. तो रेशो कितना आया हमको, 2:1. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर आपने रेशो सही से ढूंढ लिया तो आपका क्वेश्चंस राइट आने के चांसेस बढ़ जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट ये रेशो है, तो अगर आपने प्रॉपरली ये समझ लिया तो आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका जो कैलकुलेशंस है वो सारे कैलकुलेशंस राइट आ जाएंगे. फिर इसके बाद के स्टेप्स में हम बढ़ते हैं. तो पहला स्टेप हमारा हो गया डेट ऑफ एक्विजिशन, सेकेंड स्टेप है रेशो ढूंढना, फिर थर्ड स्टेप होता है कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल प्रॉफिट, तो मैंने सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा है, वही आप भी समझने के लिए याद रख सकते हो. प्रॉफिट बिफोर द एक्विजिशन. व्हाट इज एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है जिस दिन हमने किसी के शेयर्स परचेस किए उस डेट से पहले का प्रॉफिट. अगर एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट आपको दिया है तो उसको हम क्या मानेंगे, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट. एंड एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट अगर आपको दिया है तो वो क्या मानेंगे हम, रेवेन्यू प्रॉफिट. सो प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन इज कैपिटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट आफ्टर एक्विजिशन इज कॉल्ड एज रेवेन्यू प्रॉफिट. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम रेशो. तो अब ये टाइम रेशो कैसा है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. अगर हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च होता है, तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च है. अगर आपको क्वेश्चन में दिया कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर जुलाई में परचेस किए, कब परचेस किए, 1 जुलाई, एग्जाम्पल ले रहा हूँ 2018, तो 1 जुलाई 2018 को शेयर्स परचेस किए, तो हमें क्या करना है, टाइम रेशियो ढूंढना है. टाइम रेशियो देखो कैसे होगा, अप्रैल मई जून, अगर आप 3 मंथ्स इसके पहले की गिनेंगे, अप्रैल मई जून, तो अप्रैल मई जून कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स. तो 3 मंथ्स हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन में आएंगे और पोस्ट में हमारे रिमेनिंग 9 मंथ्स आएंगे. जैसे हमने एक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा है कॉल्ड एज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. तो टाइम रेशो कैसे गिनना है वो भी आप वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप टाइम रेशो कैसे ढूंढना है एक डिटेल में वीडियो मैंने बनाया था, वो भी आप चेक कर सकते हैं.
तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स हमारा प्री में है, पोस्ट में कितने मंथ्स है? 9। तो 3 1 जा 3, 3 जा 9, तो आपका रेशियो क्या बनेगा? 1:3, ये आपका रेशियो है 1:3। तो 1:3 का हमारा टाइम रेशियो बन सकता है। तो ये भी आपको गिनना है अगर आपको इन बिटवीन कभी एक्विजिशन का डेट दिया होगा तो। फिर आपको नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाना है कैपिटल रिजर्व और गुडविल का। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपको यहाँ पे लिखना है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बैलेंस शीट में दिया होगा वो यहाँ पे आएगा। फिर पेडअप वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो आपके पेडअप वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो यहाँ पे लिखना है। फिर इसमें से हमें माइनस करना है शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, जो हम कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का वर्किंग नोट बनाएंगे वहां से हमको इसको माइनस करना है। फिर कैपिटल रिजर्व मिलेगा या गुडविल मिलेगा, पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा उस बेस पे हम डील करेंगे, कैपिटल रिजर्व या गुडविल। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो उस बेस पे आपको ये जो फॉर्मेट है वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ बेसिक चीजें समझते हैं कि क्या क्या वर्किंग नोट्स आपको बनाने हैं। फिर नेक्स्ट वर्किंग नोट जो है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को एक दूसरा नाम है विच इज कॉल्ड एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में याद रखना है, आपको याद रखने का सिंपल तरीका, जितने भी पॉइंट्स आप लिखने वाले हो सारे ऐड ही होंगे। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में याद रखने का तरीका, जितने भी पॉइंट्स आप लिखने वाले हो सारे लेस ही होंगे। पहले लिखना है आपको पेडअप वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो माइनॉरिटी के पास शेयर्स है। ऐड करना है शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, देन वी हैव टू ऐड शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट। तो आप सारी चीजों को जब ऐड करोगे तब आपको क्या मिलेगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट बन जाता है। नेक्स्ट इज अनरियलाइज प्रॉफिट। तो अनरियलाइज प्रॉफिट पे एक वर्किंग नोट आता है और वो अगर आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स है तो ही आगा। जैसे अनरियलाइज प्रॉफिट का जो वर्किंग नोट है वो स्टॉक के ऊपर होता है और यूजुअली एडजस्टमेंट दिया जाता है प्रॉफिट इज चार्ज एट द रेट 20%। तो आपको डायरेक्ट 20% नहीं ढूंढना है, आपको क्या करना है, कॉस्ट आपको 100 लेना है, उसमें प्रॉफिट ऐड करना है 20, तो आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा 120। तो फिर आपको इक्वेशन बनाना है, 120 के लिए एक स्टॉक की वैल्यू दी जाएगी एडजस्टमेंट में, तो आपको प्रॉफिट ढूंढना है, तो 20 के लिए हाउ मच क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बैलेंस जो आंसर आएगा वो आपको इसके रिलेटेड काउंट करना है। तो ये भी एक वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा अगर एडजस्टमेंट्स दिया है तो। तो दैट इज दी पॉइंट। और एक लास्ट वर्किंग नोट कैलकुलेशंस के लिए होता है, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो भी वर्किंग नोट में एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको अब इस बेस पे, सो दैट आपके सारे डाउट्स जो है उस बेस पे क्लियर हो जाएंगे। दिस वॉज द बेसिक पॉइंट। तो आज हमने सिर्फ डिस्कस किया है कि होल्डिंग कंपनी के क्या क्या बेसिक्स है, होल्डिंग कंपनी में क्या क्या पॉइंट्स अराइज होते हैं और होल्डिंग कंपनी में कितने वर्किंग नोट्स बनते हैं। ये सारे वर्किंग नोट्स चैप्टर का बेस है। अगर आपने ये सारे वर्किंग नोट्स कैसे सॉल्व करने वो समझ लिए तो आपको बैलेंस शीट सॉल्व करने के लिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। सो दिस वाज द बेसिक वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ होल्डिंग कंपनी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा किस बेस पे आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ, और ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, सो दैट जिन स्टूडेंट्स को होल्डिंग कंपनी में प्रॉब्लम्स है, जिन स्टूडेंट्स को होल्डिंग कंपनी एक डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, उनके सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर। थैंक यू।